गोल्ड हमारे इंडियन परिवारों में जरूर मिलता है और सोना हर त्योहार पे खरीदने की भी बात होती है, बट क्या सोना खरीदना या गोल्ड खरीदना इन्वेस्टमेंट है? चलिए जानते हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल लर्निंग्स विद मी सीए रुचि महेश्वरी। हम आपको अपनी इस फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं और वी ऑल्सो टेल यू अबाउट वेरियस ऑप्शंस इन विच यू कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट्स। आप कैसे कैसे निवेश कर सकते हैं, हम ऑलरेडी आपको इक्विटीज के बारे में बता चुके हैं और बाकी काफी चीजों के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिए। आज हम एक बहुत दिलचस्प टॉपिक लाए हैं, वो है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। ज्वेलरी हर लेडी को चाहिए होती है, आई एम श्योर आपकी वाइफ भी आपसे ज्वेलरी एज अ गिफ्ट मांगती होगी, बट इज दैट रियली एन इन्वेस्टमेंट? एक्चुअली गोल्ड डेफिनेटली एप्रिशिएट होता है। प्राइजेस ऑफ गोल्ड वर्सेस जो 10 साल पहले थी और जो आज है काफी एप्रिशिएट हुई है, बट जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उसमें हमारा काफी लॉस होता है बिकॉज ऑफ मेकिंग चार्जेस एंड वेरियस अदर रीजंस। ऑल्सो फिजिकल गोल्ड को रखने में काफी चैलेंजेस होते हैं। गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए बिकॉज वो हेल्प करता है डाइवर्सिफाई करने में, वो हमारे पोर्टफोलियो के रिस्क को बैलेंस करता है। बट फिर गोल्ड खरीदे तो खरीदे कैसे हैं? क्योंकि फिजिकल गोल्ड में हमने बात करी कि चैलेंजेस हैं। इन टूडेज वर्ल्ड जब हम एक्चुअली डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना गोल्ड भी जो हम इन्वेस्ट करें वो ई गोल्ड में इन्वेस्ट करें। Yes, there are options to invest in e-gold and that's a very good way. क्यों e-gold करें? क्योंकि e-gold easy है, e-gold safe है and e-gold आप जितना चाहें उतना आप रख सकते हैं। So there is no bounding for the amount. You can invest from as small as 1 gram to you know any amount that you want. e-gold में हम invest कैसे कर सकते हैं? 3 ways में आप ई गोल्ड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है गोल्ड ETF, ETF यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETFs को आप स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हैं और ये आपके डीमैट अकाउंट में आपके पास रह सकती हैं। सो इजी राइट? दूसरा वे क्या है? गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को इवन कहते हैं फंड ऑफ फंड। क्यों कहते हैं फंड ऑफ फंड? क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए इजी है, आप उनमें SIP कर सकते हैं, आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिससे आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट ये म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ये म्यूचुअल फंड्स वापस ETFs में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए जो आपका फंड है वो वापस एक फंड में इन्वेस्ट हो रहा है और इसीलिए इसे कहते हैं फंड ऑफ फंड। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारे RBI के गोल्ड बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज गोल्ड बॉन्ड्स और वो गोल्ड बॉन्ड्स इशू करती है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट जिसमें बैकिंग होती है गवर्नमेंट की ही। वो गोल्ड बॉन्ड्स आप डायरेक्टली ले सकते हैं बट वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं बिकॉज साल में 1 या 2 बार गोल्ड बॉन्ड्स इशू होते हैं, बट ये गोल्ड बॉन्ड्स आप मार्केट से भी ले सकते हैं। सो दीज आर द 3 ways इन विच यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड safely and easily. But again, as we say, because if you don't want any challenges or aap ise bahut easy investment rakhna chahte hain, to mutual funds is an easy way. But baki dono ways bhi bahut difficult nahi hain. Agar aap demat account hai aapke paas aur aap trading karte hain, to ETF lena utna hi asaan hai and simple hai and definitely convenient bhi hai. The only benefit which I feel between a mutual fund and an ETF is कि आप mutual fund में SIP कर सकते हैं। वो SIP definitely over a period help करती है। इसीलिए आज के time में जब आप gold investment की सोचें तो आप e-gold की सोचें या digital gold की सोचें, because that's convenient, it will diversify your portfolio and it will help you to make a real investment. My personal suggestion is don't run towards physical gold
until the time you really need it for your consumption. The investment can only be in digital gold. I'm sure ये आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारी ये सीरीज को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे. अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए. अंडरस्टैंड हाउ यू शुड मेक योर फाइनेंशियल गोल्स, हाउ यू शुड सेव मनी, हाउ यू शुड मैनेज योर एक्सपेंसेस एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स. लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो, शेयर योर इनपुट्स. आप क्या और देखना चाहते हैं हमें बताएं. और डेफिनेटली अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड एंजॉय आवर प्रोग्राम्स. Keep watching Radio Dwarka. Thank you.